सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको चले जाना होगा यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लूटूथ डिवाइस है हमारा यहाँ पे ऑन है। एंड यहाँ पे मैं इसको पेयर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कनेक्टिंग तो हो रहा है लेकिन ये पेयर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है वो पेयर नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो डिवाइस है वो ऑन है तब पर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा बैक में आ जाते हैं। बैक में आ जाने के बाद हमको यहाँ पे एक बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे करना है या फिर एयरप्लेन मोड पे कर देना है। एयरप्लेन मोड पे कर देंगे, 1 से 2 मिनट तक हमको वेट करना है, उसके बाद इसको वापस हम ऑन कर देंगे। उसके बाद वापस हमको ब्लूटूथ में चले जाना होगा। ब्लूटूथ में हम आ जाएंगे। ब्लूटूथ में आ जाने के बाद यहाँ पे आप डिवाइस में आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कनेक्ट हो जा चुका है। देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो बड़ा ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरीके से ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर अपने फ्लाइट मोड पे काम नहीं कर रहा है ये जो ट्रिक है, तो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके बस स्विच ऑन करना है, और उसके बाद फिर ब्लूटूथ को भी अपने ऑन रखना है, और जो ब्लूटूथ डिवाइस जिसे आप कनेक्ट कर रहे हो वो डिवाइस भी ऑन होना चाहिए, तब ये अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा, दोनों अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।